ऑलराइट तो गाइस अभी जो इंट्रो में रील्स वीडियो चल रहा है ना, इस प्रकार के रील्स वीडियो इंस्टाग्राम पर तेजी से वायरल चल रहे हैं। तो अगर आप लोगों को भी एडिटिंग सीखना है तो मेरे इस छोटे से वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो चलिए वीडियो एडिटिंग स्टार्ट करते हैं। हाँ तो गाइस सबसे पहले वीडियो बनाने के लिए लाइट मोशन एप्लीकेशन ओपन कर लेना। लाइट मोशन एप्लीकेशन प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो या फिर मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक एग्जाम्पल मिलेगा, तो उसको आप लोग टेम्पलेट वाला ऑप्शन में जाना लाइट मोशन में, एंड यहाँ से अपलोड एग्जाम्पल से जाके आप लोग इंपोर्ट कर देना। सबसे पहले नीचे प्लस आइकन पर क्लिक करके 9:16 के रेशियो में क्रिएट प्रोजेक्ट पर टैप कर देना है। उसके बाद में आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस खुलेगा। आपको क्या करना है, नीचे प्लस आइकन पर क्लिक करना, ऑडियो पर क्लिक करना। अगर MP3 में सॉन्ग है तो यहाँ से ले सकते हो, बाकी वीडियो में से लेना चाहते हो तो मीडिया पर जाना। मैंने ऑलरेडी से स्टेटस बना रखा है तो मैं उसमें से एक्सट्रैक्ट करके लेता हूँ, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से वो वीडियो सिलेक्ट कर लेता हूँ जिसके अंदर से सॉन्ग लेना है, तो यहाँ पे ले लिया, ठीक है। उसके बाद इस पर टैप करना है, वीडियो पे थ्री डॉट पे टैप करना, एक्सट्रैक्ट ऑडियो कर देना है, एंड बाद में वीडियो को डिलीट कर देना है। अब क्या करना है, आप लोगों को यहाँ पे बीट मार्क के अकॉर्डिंग सॉन्ग ऐड करने हैं, सॉन्ग के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो जहाँ से आपका सॉन्ग स्टार्ट होगा एंड जहाँ पे ख़त्म होगा उस हिसाब से आपको इसके अंदर बीट मार्क ऐड कर देने हैं, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से मैं आपको बताने के लिए बीट मार्क ऐड कर लिया हूँ यहाँ पे, देख ओके। उसके बाद क्या करोगे, आपको प्लस आइकन पे क्लिक करना, इधर से एक शेप लेना है, शेप के ऊपर में क्लिक करना, एडिट शेप में जाना, यहाँ पे एक्स पे क्लिक करके इसको कर देना इधर से 800, वाई पे क्लिक करके इधर से इसको कर लेना है 400, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से साइज हो जाएगा। इसके ड्यूरेशन को पूरा लास्ट तक कर लेना है आपको। अब क्या करोगे, यहाँ से आप लोग इसको दो बीट मार्क तक कर लेना, ठीक है, फिलहाल फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से इसके ड्यूरेशन को आपको करना है। उसके बाद क्या करोगे, प्लस आइकन पे क्लिक करना है, मीडिया पे क्लिक करना, और जिस फोटो पे आप लोग को स्टेटस वीडियो बनाने वाले हो ना रील्स, उसको इधर से सिलेक्ट करना है। तो मैं पिंटरेस्ट ऐप से फोटोज ले लेता हूँ। तो इस प्रकार से फोटो लेने बाद रेक्टेंगल के नीचे करना, इसकी भी ड्यूरेशन को आप लोगों को सेकंड बीट मार्क तक कर लेना है। इस प्रकार के एस्थेटिक फोटोज आप लोग पिंटरेस्ट ऐप से ले सकते हो या फिर मेरे टेलीग्राम पे डाल दूंगा, वहां से लेना। रेक्टेंगल एंड फोटो को सिलेक्ट करना, ऊपर मिडिल ऑप्शन वाले में जाके ग्रुप एज मास्क कर लेना, ग्रुप एज मास्क पे क्लिक करना, फोटो पे क्लिक करके यहाँ से इसको एडजस्ट ग्रुप के अंदर अच्छे तरीके से एडजस्ट कर लेना कुछ इस प्रकार से। रेक्टेंगल पे क्लिक करना, इफेक्ट पे क्लिक करना, एड इफेक्ट कर देना, ब्लर के अंदर जाना, इधर से लेना आपको गजियन ब्लर प्लस करके स्टैंडर्ड ओपन करना, उसके ऊपर में टेप करके 0.480 के समथिंग कर देना है, ठीक है। तो इसके अंदर इस तरीके का फेड ब्लर इफेक्ट लग जाएगा, आप लोग देख पा रहे हो, ठीक है, फोटो पर। उसके बाद ग्रुप पे आपको क्लिक करना, इफेक्ट में जाना, एड इफेक्ट में जाना है, कलर एंड लाइट के अंदर आ जाना, ठीक है। इधर से लेना ब्राइटनेस एंड कॉन्ट्रास्ट प्लस करके स्टैंडर्ड, ब्राइटनेस पे क्लिक करके इसको इधर से कर लेना होगा माइनस में 20, ठीक है। कॉन्ट्रास्ट पे क्लिक करके इसको इधर से कर लेना होगा 10 प्लस में, ठीक है। कुछ इस प्रकार से अपने फोटो के अकॉर्डिंग कर देना, ठीक है, आप लोग बैक कर देना। इफेक्ट पे क्लिक करके एड इफेक्ट में जाना, मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाना, यहाँ से लेना आपको ऑसिलेट, इसको लेके प्लस करके स्टैंडर्ड, उसके बाद ओपन करना। ओपन करने के बाद क्या करोगे, इसका सेटिंग आपको ध्यान से देखना, एंगल पे क्लिक करके इसको कर देना 90 डिग्री, फ्रीक्वेंसी पे क्लिक करना 0.35 कर लेना। उसके बाद में यहाँ से क्या करोगे, आपको बैक कर देना, ऐसा कुछ इस प्रकार से इफेक्ट लग जाएगा इसके अंदर, देख पा रहे हो आप लोग, ठीक है। उसके बाद बैक करके इफेक्ट में जाना, एंड यहाँ से एड इफेक्ट में जाना, एंड यहाँ से आपको ऊपर सर्च कर लेना फ्लिकर, फ्लिकर वाला इफेक्ट लेना, प्लस करके स्टैंडर्ड ओपन करना है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी पे टैप करके 2.00 कर लेना इसको कुछ इस प्रकार से, ठीक है। एंड क्या करोगे, आपको इधर से नीचे आना, थोड़ा सा स्ट्रेंथ पे आना, यहाँ पे आने बाद 0.21 के समथिंग कर लेना इसको, ठीक है। बैक कर देना, इफेक्ट में आना, एड इफेक्ट में आना, इधर से लेना आपको फेड इन आउट, इसको लेके प्लस करके स्टैंडर्ड, एंड इसका सेटिंग आप लोग देख लेना 050 050, ठीक है, दोनों का कुछ इस प्रकार से आपको कर लेना है। बीट मार्क पे चले आना, प्लस आइकन पे क्लिक करना, डबल ए पे क्लिक करना, एंड यहाँ से आपको सॉन्ग लिरिक्स टाइप करनी है या फिर कॉपी की हो तो पेस्ट कर लेना, ओके, अलाइन करना। उसके बाद क्या करना, इधर से व्हाइट कलर सेलेक्ट करना, एक लाइन में कर देना इस प्रकार से,
एंड क्या करना, फॉन्ट पे क्लिक करके व्यूअल में जाना, इधर से आपको मिल जाएगा, इसी के अंदर फॉन्ट मिलता है ठीक है, लाइट मोशन ऐप के अंदर, तो वो फॉन्ट यहाँ से आपको सिलेक्ट करना है ठीक है। इसके अंदर तो मैं बताता हूँ कौन सा फॉन्ट है, यहाँ पे स्क्रीन पर नाम आ जाएगा ठीक है। तो ये वाला जो फॉन्ट है ना, इसको आपको सिलेक्ट करना है ठीक है। उसके बाद क्या करना है, इसके ड्यूरेशन को बिटमार्क के अकॉर्डिंग रखना है फिलहाल आपको ठीक है, कुछ इस प्रकार से। अब क्या करना है, इसका यहाँ से शेडोज इनेबल कर सकते हो एंड साइज को जीरो करके बैक कर देना। अब मैंने कहा था ना वो वाला XML प्रोजेक्ट आपको ओपन करना है ठीक है, तो उसके अंदर लिरिक्स होगा, आप लोग इस तरीके से ओपन करना। यहाँ से लिरिक्स में आना, इफेक्ट में आना, थ्री डॉट पे आना, कॉपी पेस्ट कर लेना एंड बैक करके अपने प्रोजेक्ट के अंदर चले आना है ठीक है। यहाँ पे प्रोजेक्ट में आने बाद इस लेयर पे क्लिक करना, इफेक्ट में जाके पेस्ट लेयर, तो देख सकते हो कुछ इस प्रकार से चलेगा, इस तरीके से लिरिक्स आएगा ठीक है। अब क्या करना है, यहाँ से ग्रुप पे क्लिक करना, प्लस पे क्लिक करना, कॉपी लेयर, आगे बिटमार्क पे आना, प्लस पे आके पेस्ट लेयर एंड इसकी भी ड्यूरेशन को आपको 2 बिटमार्क पे कर लेना। टाइमर पे जाके ग्रुप पे जाना, इफेक्ट में जाना एंड यहाँ से आपको फोटो को रिप्लेस कर देना कलर एंड लाइट के अंदर जाके। तो मैं ऐसा फोटो रिप्लेस कर देता हूँ। मूव एंड ट्रांसफॉर्म पे जाके सेट कर देना फोटो को इस तरीके से ठीक है। नेक्स्ट फोटो आ गया, आप क्या करना, इधर से लिरिक्स को भी आप लोग कॉपी लेयर कर देना एंड यहाँ पे आना, प्लस पे आना, पेस्ट लेयर एंड यहाँ से इसके ड्यूरेशन टाइमर वाले ऑप्शन से जाके कम ज़्यादा कर सकते हो। यहाँ से आप लोग नेक्स्ट लिरिक्स टाइप कर सकते हो ठीक है, जो भी आपके सॉन्ग का आने वाला है। ओके, सो इस तरीके से आपको कॉपी पेस्ट करते जाना एंड लास्ट तक पूरा वीडियो को फाइनली एडिट कर देना। इसके अंदर कोई भी इमोजी वगैरह भी आप लोग टाइप कर सकते हो, इंस्टाग्राम आईडी वगैरह टाइप करके ऊपर एरो पे टाइप करके एक्सपोर्ट कर लेना। सो गाइस, वीडियो पसंद आए तो लाइक करके जाना, चैनल पे न्यू तो सब्सक्राइब करके जाना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।